नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा पर। नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अक्सर आपके मन में यह सवाल तो आता होगा कि हम प्राणियों के पास देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुंह और चलने और काम करने के लिए टांग और हाथ जैसी सभी बुनियादी चीजें हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हमें मिले कैसे। लगभग सभी धर्मों के पास इसका एक सा ही उत्तर है कि यह सब हमें हमारे ईश्वर भगवान से मिला है, जिसमें हम कोई सवाल नहीं कर सकते, और सवाल करे भी तो करे किससे। लेकिन आइए देखते हैं विज्ञान इसका कैसे उत्तर देता है। जिसे हम धर्म, आत्मा और ईश्वर की देन मानते हैं, उसे विज्ञान चेतना, इंटेलिजेंस या जीवन मानता है। दोस्तों, बताते हैं कि जीवन क्या है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई, क्या जीवन पृथ्वी पर ही पाया जाता है। दोस्तों, जीवन आज के युग में भी वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन सवाल बना हुआ है। आखिर किसी इंसान की अचानक मौत के तुरंत बाद जीवन कहाँ चला जाता है, जबकि उसके शरीर का सारा पदार्थ और एनर्जी एक सेकंड में तो कहीं नहीं चली जाती। उसी तरह मिट्टी के अंदर दबे एक बीज को कैसे पता चल जाता है कि उसे किस दिशा में पौधा निकालना है, जबकि उसके पास सभी दिशाओं में ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, ये शायद जीवन ही है जो पृथ्वी की ग्रेविटी के विपरीत दिशा में चलती है और हर बार इसकी पहचान कर लेता है और खुद बीज भी नहीं। दोस्तों, आइए इन सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद कुछ भी चीज स्पेस टाइम या पदार्थ व एनर्जी के कारण ही वजूद में है, लेकिन जीवन न तो स्पेस है, न ही टाइम है और न ही पदार्थ या एनर्जी, बल्कि ये तो इनके बीच होने वाली एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, और प्रक्रिया भी इतनी अलग और कुशल जो अपने आप को हालातों के हिसाब से ढाल लेती है। जैसे खुद हम इंसानों का जीवन पानी, कैल्शियम, ऑक्सीजन जैसे अनेक एलिमेंट के इस्तेमाल के माध्यम से एक ऐसा शरीर बना लेता है जो जीवन की सुरक्षा और विकास करने में सक्षम है। दोस्तों, हम विज्ञान और गणित के नियमों से ब्रह्मांड में होने वाली अधिकतर वैज्ञानिक घटनाओं की गणना और भविष्यवाणी कर सकते हैं। दोस्तों, एक धूल के कण से लेकर मंगल, बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह और तारों की गति और वे कब कहां होंगे पता लगा सकते हैं, लेकिन जीवन एक रैंडम प्रोसेस है। हम नहीं बता सकते कि कोई जिंदा जीव अगले घंटे या सेकंड क्या कर रहा होगा, या एक छोटे पेड़ से एक बड़े पेड़ में होने में कितनी डालियां होंगी, वो किस किस दिशा में होंगी, हम इसका सटीक या एक्सैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। वीडियो में आगे इसी से रिलेटेड मुख्य थ्योरी के बारे में जानेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों की पहली थ्योरी कहती है, दोस्तों बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस समय ब्रह्मांड में तारे, आकाश गंगाएं नहीं थी, था तो सिर्फ क्वार्क प्लाज्मा जो बहुत ज्यादा गर्म था और बहुत ज्यादा खतरनाक रेडिएशन थी। ऐसे में जीवन का होना असंभव था और समय के साथ साथ क्वार्क प्लाज्मा से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु बने। फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे, आकाशगंगाएं और फिर सौरमंडल बने। लेट हैवी बोम्बरमैन थ्योरी का मानना है कि जीवन के लिए आवश्यक केमिकल रिएक्शन बिग बैंग के कुछ समय बाद शुरू हो गई थी, जब ब्रह्मांड की उम्र 10 से 17 मिलियन साल ही थी। कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के बनने के बाद यह ठंडी होनी शुरू हुई। समय के साथ साथ पृथ्वी पर समुद्र और वायुमंडल बने। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कम से कम 3.5 अरब साल से लेकर 4.25 अरब साल के आसपास ही हुई होगी। कुछ कंप्यूटर मॉडल कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन 4.5 अरब साल से ही हो सकती है, जबकि पृथ्वी की उम्र 4.54 अरब साल होगी। पहले जिंदा जीव कुछ समुद्री सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया होंगे। जैसे नॉन लिविंग पदार्थों से जिंदा जीवों का बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस को एबियोजेनेसिस कहते हैं। ये कोई एकदम ही हो जाने वाली प्रोसेस ना होकर लंबी कई कई स्टेप में होने वाली प्रोसेस रही होंगी। ये सूक्ष्म जीव ही आगे चलकर अपनी अपनी स्थितियों और अपने अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो गए होंगे
और समय के साथ साथ वायुमंडल में ओजोन जैसी परत के बनने से पृथ्वी का भूभाग भी सुरक्षित हो गया। फिर ये जीव समुद्रों से बाहर धरती तक आने लगे और कुछ ने तो खुद को धरती पर रहने के लिए विकसित भी कर लिया और आगे चलकर ये जीव ही डायनासोर जैसे जीवों में विकसित हो गए। अंतरिक्ष से गिरे एक एस्टेरॉयड से डायनासोरों के अंत के बाद बची कुछ प्रजातियां में करोड़ों साल बाद विकसित कर लिया और उन्हीं में से एक इंसान भी थे जो लगभग 6,60,00,000 वर्ष पहले वजूद में आए। आज का मानव लगभग 3,00,000 साल पहले पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में रहता था और आज जीवन पृथ्वी पर सामान्य से जटिल स्थितियों में जीने में सक्षम है जो धरती से लेकर आसमान तक में फैला हुआ है। और अब बात करते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पैनस्पर्मिया। इसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन पृथ्वी पर से शुरू न होकर अंतरिक्ष से किसी एस्टेरॉयड या मीटियोर के साथ पृथ्वी पर आया होगा। इस थ्योरी का आधार पृथ्वी पर पाए जाने वाले मंगल ग्रह के कुछ टुकड़ों को भी माना जाता है जो शायद मंगल ग्रह से किसी एस्टेरॉयड के टकराने पर धमाके के कारण यहां पहुंचे होंगे। शायद जीवन ऐसे ही पृथ्वी के टुकड़ों के साथ ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा, लेकिन फिर भी हम अंतरिक्ष में किसी भी जिंदा चीज को खोजने में असफल रहे, सिवाय नवंबर 2019 में एक एस्टेरॉयड पर मिले चीनी शुगर के मॉलिक्यूल्स के जो कि जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट बना सकते हैं। जीवन पर सन 2008 से 2015 के बीच कई एक्सपेरिमेंट किए गए जहां सूक्ष्म जीवों की सोलर वल्कस और वैक्यूम में करीब 1.5 साल के लिए रखा गया जहां वे लंबे समय तक जीने में कामयाब रहे। शायद जीवन का लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना है और विकसित होना है, जैसे इंसानों की अगली पीढ़ी इंसान ही होती है, आदि मानव या बंदर नहीं। और न ही जीवन पर पृथ्वी या सूर्य के आसपास ही रहने के लिए कोई पाबंदी है, क्योंकि जब इंसान चांद पर गए तब भी वे जिंदा रहने में कामयाब रहे। जीवन का तो सिर्फ यही टेम्परेचर, ऑक्सीजन और सही एयर प्रेशर आदि जैसे अपनी बुनियादी जरूरतें चाहिए और शायद इन्हीं जरूरतों की पूर्ति करते हुए हम अपने सौरमंडल की सीमा भी लांघ जाएंगे और वहां ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में भी जीवन के पनपने की पूरी संभावना है। और इस सवाल का जवाब तो शायद समय ही देगा कि मरने के बाद जीवन है जिसे आफ्टर लाइफ कहते हैं, ये मृत्यु ही जीवन का अंत है। दोस्तों, आपकी राय ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति पर क्या क्या है, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको हमारी एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।